मेरा नाम है मौसमा और आप देख रहे हैं मौसमा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स, खैर खैरियत से हैं? अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सदा खुश और आबाद रखे। और प्लीज़ व्यूवर्स मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आज व्यूवर्स मैं बना रही हूँ फ्राई फिश, और फ्राई फिश कैसे बनाते हैं आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूवर्स, फ्राई फिश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये व्यूवर्स मैंने जिंजर, गार्लिक और ज़ीरा और सूखा साबुत धनिया है उसको मैंने पीस लिया है, और फिश मैंने ले लिया है 1 kg, और घी मैं ले लूँगी। व्यूवर्स, अगर आप ऑयल में फ्राई करना पसंद करते हैं तो आप ऑयल ले लें, वरना व्यूवर्स मैं घी में मैं फ्राई करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। और ये व्यूवर्स जो सबसे ज़रूरी है, जो ख़ास जो चीज़ है, ये देखें व्यूवर्स, ये जिससे मेरे हस्बैंड फिश लेके आए हैं वो उनका अपना मसाला होता है। और ये 1 kg में मैं इसमें 4 packets में डालूंगी, और ये विनेगर में ले लूंगी। इससे व्यूवर्स इसकी फिश की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन तमाम चीज़ों को मैं इनमें मिक्स कर दूँगी और मैं फ्राइड फिश कैसे बनाती हूँ। व्यूवर्स, ये देखिए मैंने 1 kg मैंने फिश में मैंने 4 adad मैंने पैकेट डाल दिए हैं। और व्यूवर्स, अगर ये आपके पास पैकेट ना हो तो आप शान का या नेशनल का आप फ्राई फिश मसाला भी आप उसमें डाल सकते हैं। और सिरका मैंने 1/2 cup मैंने ले लिया है, और जिंजर, गार्लिक पेस्ट और सूखा साबुत धनिया और ज़ीरा जो मैंने उसके साथ पीस लिया था वो मैंने डाल दिया। और अब मैं इसको मिक्स करके और व्यूवर्स मैं 2 या 3 घंटे के लिए मैं रख दूँगी ताकि इसमें और टेस्ट आ जाए। और अगर आप व्यूवर्स, अगर आपको बहुत जल्दी है बनाना तो आप 1/2 घंटा इसको रख के तो आप फ्राई कर सकते हैं। देखिए मैंने फ्राई पैन में मैंने घी को मैंने गरम करके और मैंने इसमें फिश मैंने फ्राई करने के लिए मैंने रखी है। और आंच को व्यूवर्स मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं रखा है क्योंकि कलर तो इसका ब्राउन हो जाएगा लेकिन फिश जो है वो अंदर से पकेगी नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको आंच मैंने हाई से मैंने कम रखी हुई है। और व्यूवर्स, मैं आपका थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ इसी तरह आगे भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज व्यूवर्स बारिश हो रही थी और मौसम भी ज़रा सर्दी लग रही थी, तो बच्चों ने और हस्बैंड ने फरमाइश की है कि आज फिश बनाओ। तो फिर मेरे हस्बैंड गए हैं, फिर फिश लेने के लिए गए हैं, तो फिर फिश वो लेके आए हैं, फिर मैंने मसाला उस पर लगा के तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रख दी थी। ये व्यूवर्स, ये जो फिश है ये इसमें जो कांटा जो होता है वो सिर्फ मतलब एक होता है, ज़्यादा इसमें कांटे नहीं होते हैं। और मैं तो ज़्यादातर बोनलेस में फ़िश पसंद करती हूँ, उसमें कोई कांटा नहीं होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसमें ज़रा टेस्ट ज़्यादा होता है, तो फिर मैंने आज फिर मैंने यही बनाई है। ये देखिए फ़िश फ्राई तैयार हो गए, इसके फाइनल लुक देखें। और ये जो आपको ये नज़र आ रही है फ्राई, ये मैंने बेसन जो मैंने बेसन लगाया था, ये बेसन वाली फ़िश है। और ये जो है ये सादा जो मैंने मसाला लगाया था ये वो फ़िश है। और ये आपको कैसे लगी है मेरी रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये फ्राई फिश जो है मेरे तरीके से आपने बनाई है तो कैसे बनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है व्यूवर्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह।